नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। गोवा के दिहाड़ी मजदूर विपिन कदम ने अपनी दिव्यांग बेटी के लिए एक ऐसा अनोखा रोबोट बनाया है जो उनकी बेटी को उसकी आवाज के निर्देश पर खाना खिलाता है। उन्होंने इसका नाम माँ रोबोट रखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपिन को ना तो विशेष तकनीकी ज्ञान है और न ही उन्होंने इसके लिए किसी से मदद ली। गोवा स्टेट इनोवेशन काउंसिल ने इस इन्वेंशन के लिए विपिन की सराहना की और उन्हें मशीन पर आधे काम करते रहने के लिए वित्तीय सहायता भी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपिन की 14 साल की बेटी दिव्यांग है, उसे खाना खाने के लिए भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती। 2 साल पहले तक विपिन की पत्नी अपनी बेटी को संभालती थी, लेकिन पिछले 2 साल से वो भी काफी बीमार चल रही है। ऐसे में बेटी का ध्यान रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए विपिन को ये आइडिया आया। उन्होंने एक खास रोबोट बनाया। इस रोबोट में स्थापित एक प्लेट पर खाना रखा जाता है। उनकी बेटी रोबोट को निर्देश देती है कि उसे क्या खाना है, जैसे सब्जियां, दाल चावल का मिश्रण या कुछ और। विपिन की 14 साल की बेटी दिव्यांग है। करीब 1 साल पहले उन्होंने ऐसे रोबोट की तलाश शुरू की थी जो उनकी बेटी को खाना खिला सके, लेकिन ऐसा कोई रोबोट कहीं भी मार्केट में उपलब्ध नहीं था, इसलिए कदम ने अपना खुद का रोबोट बनाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन माध्यमों से सॉफ्टवेयर की मूल बातें सीखी। कदम का कहना है कि उन्होंने बिना रुके दिन में 12-12 घंटे तक काम किया। उन्होंने अपना बाकी का समय शोध करने और रोबोट बनाने का तरीका सीखने में ही बिता दिया। 4 महीने तक लगातार उन्होंने इस पर शोध किया और फिर इस रोबोट को डिजाइन किया। विपिन इस रोबोट के जरिए और भी कई लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एक दिहाड़ी मजदूर के इस अनोखे इनोवेशन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।